नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो फरवरी के आखिरी दिन भाजपा की बड़ी बैठक दिल्ली में और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा की जो चुनाव समिति है वो बैठ करके और तमाम प्रत्याशियों के नामों पर मंथन में जुट गई है। और अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द, यूं कहें कि चंद घंटे में, भाजपा की पहली बड़ी लिस्ट सामने आ सकती है जिसमें 100 से ज़्यादा नाम शामिल हो सकते हैं। खबरें ये भी हैं मीडिया सूत्रों के हवाले से कि इस पहली लिस्ट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ साथ अलग अलग राज्यों की कुछ कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी जो प्रदेश इकाई है उसने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली, यानी तीन तीन चार चार नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेज दिया गया है और इन्हीं नामों पर, अब इन्हीं में से किसी एक नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति जो भाजपा की है वो मुहर लगाएगी। और कुछ सीटों पर सिंगल नाम है, कुछ सीटों पर दो नाम भी हैं। तो ये जो अलग अलग सीटों पर जो प्रत्याशी उभर कर सामने आए हैं या टिकट के दावेदार कहें, उनके नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम और कई ऐसे चेहरे जिनकी प्रदेश स्तर पर कोई बड़ी पहचान नहीं है और उनको भी इस बार लोकसभा का टिकट मिल सकता है। यानी स्थानीय स्तर पर भले वो सक्रिय रहे हों लेकिन अभी वर्तमान में प्रदेश स्तर पर उनकी कोई बड़ी पहचान नहीं है। ऐसे कई चेहरों को भी हो सकता है भाजपा इस बार टिकट दे। ये भी खबरें मिल रही हैं कि भाजपा विधानसभा चुनाव हारे नेताओं को फिर मौका दे सकती है और खबरें ये भी हैं कि 15 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। 28 अभी भाजपा के सांसद हैं मध्य प्रदेश में, जिनमें से हो सकता है 15 सीटों पर एकदम नए चेहरों को मौका दिया जाए, कुछ एक सीटों पर जो पुराने चेहरे हैं उनको मौका मिले फिर से, और कुछ सीटों पर जो वर्तमान सांसद हैं उनको फिर से टिकट मिल सकता है। तो भाजपा की स्ट्रेटेजी इस बार क्या रहने वाली है, एक और खास बात कि कई बड़े नेताओं के नाम दो दो तीन तीन सीटों के पैनल में शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हैं, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान उनका भी नाम विदिशा और भोपाल सीट से आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो वर्तमान सांसद हैं उनको फिर से टिकट मिलने की जो संभावना है वो कहाँ कहाँ है। इंदौर में शंकर लालवानी को फिर टिकट मिल सकता है, खिडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल को फिर से टिकट मिल सकता है, देवास में महेंद्र सिंह सोलंकी को फिर से टिकट मिल सकता है। लेकिन भाजपा जो कुछ अलग करने की कवायद में रहती है, हर बार कुछ सरप्राइज देती है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति भाजपा की रहने वाली है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका हम परिचय कराते हैं। भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हैं। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट नेहा जी आपसे, तो क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? हालांकि आप लोग कहते हैं कि हमारा तो प्रत्याशी जो है कमल का फूल ही है, लेकिन फिर भी इतना जो मंथन हो रहा है, इतनी जो बैठकें हो रही, इतनी जो तैयारियां चल रही हैं, तो प्रत्याशी भी कम महत्व के नहीं होते नेहा जी? दीपेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और अपने कार्य को उसी गंभीरता के साथ पूर्ण भी करती है। इसीलिए हमेशा संवाद, बैठक और साथ में निर्णय लेने की जो सामूहिक प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे कहने से पहले आपने कह दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सभी जानते हैं कि व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। जिस भी कार्यकर्ता को जो भी दायित्व दिया जाता है वो उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में निभाता है। तो निश्चित तौर पर एक जो प्रक्रिया है जिसमें सभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनसे तीन तीन नाम लिए गए हैं, उसको लेकर संगठन ने उसको दिल्ली पहुंचाने का काम किया, दिल्ली में बैठक हुई है और अंतिम निर्णय जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा और वो आप हम सबके सामने जल्दी आएगा। यहाँ पर परिवार नहीं तय करता, यहाँ पर संगठन पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि प्रत्याशी कौन होगा। और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, प्रत्येक कार्यकर्ता की प्राथमिकता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने इस बार लक्ष्य रखा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 370 वोटों का इजाफा करेगी, 370 सीटें लेकर आएगी और एनडीए 400 पार जाएगा,
प्रत्येक कार्यकर्ता उस ओर अग्रसर है और सरकार की योजनाओं को, संगठन के विचार को लेकर जन जन तक जा रहा है। ठीक है नेहा जी, लेकिन ये जो हमने विधानसभा चुनाव के समय देखा था कि आपने सांसदों को उतारा, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, राष्ट्रीय पदाधिकारी कैलाश विजयवर्गीय को उतारा, ऐसा लग रहा था कि भाजपा बिल्कुल पूरा दमखम झोंकना चाहती है, कोई जरा से भी रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन अब जो खबरें आ रही छनके कि 15 नए सांसद या 15 नए प्रत्याशियों को सांसद जी का टिकट दिया जा सकता है, ऐसा क्यों? मतलब जो वर्तमान आपके सांसद हैं, क्या उनके कामकाज में कोई कमी पाई गई? मीडिया रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि कई सांसदों का काम अच्छा नहीं था इसलिए उनका टिकट कट सकता है। दीपेश जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी का भी टिकट कटता नहीं, बल्कि जो कार्यकर्ता है उनको नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए दायित्व मिलते हैं और वो अपने दायित्व को निभाते हैं, चाहे वो संगठन के हों चाहे वो सरकार के दायित्व हो। दूसरी बात कि जो अटकलें हैं वो अटकलें लोकसभा चुनाव के लिए जो भी हो, विधानसभा से पूर्व भी कई प्रकार की अटकलें थी पर वो सब धाराशाही हो गई। भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी दल हो, वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कार्य करता है। तब ये कहा जा रहा था, जो आपने भी अभी कहा कि सांसदों को उतारा जा रहा है यानी कि स्थिति बहुत कमजोर है। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के परिणाम आए हैं, किस तरीके से जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। ये स्पष्ट दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहा है, जनता ने उस पर मोहर लगाई है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, प्रभु श्री राम का मंदिर जो है, 500 वर्षों का इंतजार जो था सनातनियों का, विश्व भर से लोग इंतजार कर रहे थे उसको पूर्ण करने की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, नल के माध्यम से जल पहुंचाने की बात हो, पोषण आहार की बात हो, कुपोषण समाप्ति की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ाना हो, एम्स की संख्या बढ़ाना हो, या एजुकेशन सेक्टर में हम देख रहे हैं किस तरीके से कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एक बहुत लंबी लिस्ट है। घंटों भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बता सकता है कि क्यों जनता उसको वोट देती है और भारतीय जनता पार्टी के परिणाम आते हैं। इसलिए व्यक्ति कोई भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। लेकिन नेहा जी, नहीं बिल्कुल ठीक है, ये सब मुद्दे तो हैं आपके, इनका ही भरोसा है कि भाई भाजपा के लिए 370 400 की बात फिर मोदी जी ने आज भी दोहराई। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उल्टा पलटी क्यों होते रहते, कभी विधायक को सांसद का चुनाव, कभी सांसद को विधायक का चुनाव, ये क्यों होता है भाजपा में हम खास तौर पर देखते हैं? देखिए, सांसद और विधायक शायद हो सकता है कि आपकी नजरों में हो, अन्य राजनीतिक दलों की नजरों में हो, पर जनता अच्छे से जानती है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि हर एक व्यक्ति जिनके भी आपने नाम लिए, जिनके भी आपने दायित्वों की बात की, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और इसीलिए यहाँ पर कोई चुनाव छोटा नहीं होता, कोई चुनाव बड़ा नहीं होता, कोई गतिविधि छोटी नहीं होती, कोई गतिविधि बड़ी नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और उसे जो दायित्व दिया जाता है वो रिशफलिंग होती है। चलिए हम थोड़ा सा और समझते हैं, राजेश जी से एक कमेंट पहले लेते हैं। राजेश जी, तो जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आई छन छन के, और हो सकता है ये सही भी साबित हो सकता है इनमें से ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है? इंदौर संभाग की अगर बात कर ले तो क्या चल रहा है वहां पर? इंदौर की अगर सीट की हम बात करें तो क्या शंकर लालवानी या जीतू जिराती, और नाम लेने वालों तो बहुत सारे नाम ले दिए, रमेश मेंदोला का नाम भी डाल दिया, पुष्यमित्र भार्गव जो महापौर है उनका नाम भी चला दिया, तो ये क्या है, क्यों इतने सारे नाम आ रहे हैं एक एक सीट के लिए? ये क्या है दिवेश जी, जो ये जो नेता हैं जिनके नाम आ रहे हैं, इनके अपने पीआर की टीम सबने बना ली है। अच्छा। और वो जो उनके जिसे पट्टे कहते हैं, यहाँ के इंदौर की भाषा में पट्टे कहते हैं, तो वो पट्टे जो है उनका काम रहता है कि अरे भैया का नाम आ रहा है, भैया का नाम आ रहा है, और वो भैया का नाम अलग अलग तरीके से आ रहा है। हो सकता है पार्टी में कहीं वो नाम हो ही नहीं, पार्टी में कोई लेना देना नहीं हो उस नाम से, लेकिन भैया का नाम पब्लिक में तो चला ही दिया। और आज अगर लोकसभा के लिए चलाया है, टिकट मिलना या नहीं मिलना डिफरेंट चीज है, पर आज से 10-15 साल में चांस बन सकता है टिकट का, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि चूंकि शंकर लालवानी ने एक रिकॉर्ड बनाया था, तो इसलिए मुश्किल दिख रहा है उनका टिकट उनको उनके बदले किसी और को दिया जाए, क्योंकि उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया था जो सुमित्रा महाजन का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। तो और इस बार यूथ वोटर्स और ज्यादा है, विधानसभा का जो जोश है विधानसभा जीत का वो अलग है, तो ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड और बड़ा होगा, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए यहाँ से। मतलब आप ये मान के चलिए, ऐसे ही धार के मामले में हो रहा है, देवास का जरूर है, महेंद्र सिंह सोलंकी का जो ऐसा लग रहा है कि उनका नहीं हटेगा, लेकिन धार के टिकट को अगर चेंज होगा धार का, तो उस कारण से होगा
क्योंकि आज धार और मऊ दो इलाके, मऊ भी उसी में आता है, तो ये बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं है कौन है छतर सिंह दरबार। ठीक बात। तो ना कभी किसी से मिलते हैं, ना कुछ है, ना कोई पर्सनैलिटी है, ना कुछ। अब वो बीजेपी की लहर में चुनाव जीत गए और इसी चक्कर में पूरे 5 साल भी ऐसे ही निकाल दिए, किसी से मिलना हो तो मिले, नहीं मिलना हो तो नहीं मिले, किसी किसी प्रोग्राम में जाके स्टेज पे बैठ गए तो लोगों ने देख लिया सांसद हैं। तो इस तरह का जो उनका जो एक तरीके से क्रिटिसिज्म बहुत लगातार हो रहा है पार्टी में भी, पार्टी के नेता ही नहीं पहचान, नेताओं को ही नहीं पहचानते हैं वो। तो शायद ये कारण हो सकता है कि उनका टिकट बदले, लेकिन इस बार जो धार से जिसको भी देंगे वो अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला काम होगा, चौंकाने वाला नाम होगा, क्योंकि हो सकता है कोई यंग आदमी आ जाए। रंजना बघेल, दूसरा नहीं, रंजना बघेल का तो मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि रंजना बघेल ने जो जब ये कुक्षी और मनावर का जो टिकट वाला चल रहा था, उन्होंने उस समय कुछ ऐसी चीजें कर दी थी जो अनुशासन के खिलाफ होती है, ठीक है। और भाजपा इस चीज को बहुत सीरियसली लेती है, और कोई पार्टी ले या ना ले, तो इसलिए मुश्किल दिख रहा है। लेकिन एक बात और है, अब रही बात रतलाम अलीराजपुर झाबुआ जो सांसद हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि डामोर का कोई सब्स्टिट्यूट अभी नहीं है उनके पास, बीजेपी ने हाँ तो है भी नहीं, और क्योंकि वहां से भूरिया भी दमदार प्रत्याशी कांग्रेस उतारेगी, कांतिलाल भूरिया नहीं, पर आपको बताएं नहीं दम भर पाएंगे, क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या हो रही है कि गैप बहुत बड़ा कर लिया है इन लोगों ने, ठीक है। और जिस जहाँ जिस जो भी स्थितियां हैं, तो लोकसभा में तो आप देखना मोदी का जो मैजिक चलेगा उसमें कोई भी आ जाए, और मतलब इस मालवा निमाड़ में तो जो आएगा वो जीत जाएगा, बहुत आसान दिख रहा है, क्योंकि सब लोग, और अच्छा बोलना नहीं चाहिए ऐसी बात है, लेकिन विपक्षी पार्टियां मान के बैठ रही है कि वो गया हाथ से, तो इसलिए जो सामने वाले का मॉरल डाउन है, आपका मॉरल, इनका मॉरल बहुत हाई है बीजेपी का, तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि जो अप्रत्याशित होगा जो भी होगा, और कोई भी खड़ा होगा वो जीतेगा, वोट नंबर कम ज्यादा हो सकता है, कोई पिछली बार 2 लाख से जीता था तो इस बार 1 लाख से जीतेगा, पर जीतेगा जरूर, क्योंकि यंग वोटर्स फिर से वही कमाल करने वाले हैं जो विधानसभा में उन्होंने किया था। ठीक है, खिलावन जी का कमेंट ये कि खिलावन जी क्या दिक्कतें पेश आएंगी मध्य प्रदेश के टिकट तय करते समय, क्या बहुत ज्यादा चेहरे हैं ये एक बड़ी समस्या होगी, या किसको कहाँ भेजना और क्या संदेश देना हो सीट से, या जातिगत समीकरण, या महिला फैक्टर, या युवा फैक्टर, या अनुभवियों को भी प्राथमिकता देनी है, तो क्या लगता है कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी संसदीय बोर्ड के सामने या सीसी के सामने टिकट तय करते समय? देखिए, मुझे लगता है भाजपा में जिस तरह से अनुशासन है और जिस तरह से अभी उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में दिख रहा है, उससे मुझे लगता, कहीं से नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी टिकट वितरण में। और दूसरी बात यह है कि भाजपा ज्यादा आश्रित होता है पूरा चुनाव, व्यक्ति की अपेक्षा सिंबल को, पार्टी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसे में नहीं लगता कि कोई मुश्किल आन खड़ी होगी भाजपा के या केंद्रीय चुनाव नहीं। फिर ये टिकट टिकट कटने की बात क्यों आ रही है कि 15 सांसदों के टिकट कट सकते हैं, कोई कह रहा है 21 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। देखिए, भाजपा पूरा लक्ष्य बना के चल रही है कि खासतौर पर मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर विजय प्राप्त करे, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, हर तरफ से हर 1-2 दिन के गैप में मीटिंग होती है, चुनाव तैयारी, चुनावी तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, लगातार कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने का प्रयास जो है भाजपा कर रही है, और लगातार उनका संपर्क भी चल रहा है, ऐसा नहीं है अभी उनका जो है वो जो उन्होंने तय किया था भाजपा ने कि जो जिनको लाभ प्राप्त हुआ है, हितग्राहियों को, जिन हितग्राहियों को, उनसे संपर्क करना है, तो ये सब काम लगातार इनके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जीतने में भी दिक्कत नहीं होगी और प्रत्याशी चयन में बहुत बहुत ज्यादा नहीं, नहीं। मेरा सवाल ये था कि फिर टिकट कटने की बात क्यों आ रही, क्या उनको युवाओं को और या दूसरे चेहरों को मौका देना कि ठीक है एक बार आप सांसद बन गए बैठिए, या 2 बार हो गया बहुत हो गया, दूसरों को, ये क्या अभी इस परिपाटी पे भाजपा चल रही है? देखिए, भाजपा या एनडीए सरकार अपना अपनी सरकार चलाने का लक्ष्य जो रखा है वो ये है कि 4 वर्ग पर, 4 जातियों पर उनने पूरा अपना फोकस किया हुआ है, युवा, महिला,
गरीब और किसान, तो मुझे लगता है कि इस वर्ग को प्राथमिकता देने के लिए, इस वर्ग को राजनीतिक मुख्य धारा में सामने लाने के लिए कोई बड़ा निर्णय और बड़ा बदलाव किया जा सकता है जो मौजूदा सांसद है उनपे। वैसे भी मध्य प्रदेश में सांसदों के अभी 5 सीट रिक्त हैं और उनमें से 4-3 तो मंत्री बने हुए। मजेदार बात ये खिलावन जी कि उनके नाम भी उन पैनलों में शामिल हैं। तोमर जी तक का नाम, जबकि विधानसभा अध्यक्ष है, उनका भी नाम जोड़ दिया गया, वो सिर्फ सम्मान बरकरार रखने के लिए या फिर और कोई कारण। खैर, नेहा जी का कमेंट हम लेंगे। नेहा जी, जिस तरफ राजेश जी ने इशारा किया, ऐसी कई सीटें और कई सांसद हैं, जैसे कि रोडमल नागर, कहा गया कि भाई कार्यकर्ता नाखुश है उनसे, इसलिए उनका टिकट कट सकता है। ऐसी बात सामने आई ग्वालियर में कि शेजवलकर जी भले ही संघ कोटे के हैं लेकिन उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। और भी ऐसे कई नाम हैं, छतर सिंह का तो कहा ही कहा उन्होंने कि भाई तो या तो अच्छा, दो सांसद आपके चुनावी हार गए, गणेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते, तो क्या ये नहीं लगता आपको कि इसीलिए दिक्कतें आ सकती थोड़ी सी कि भाई, या इसीलिए ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, चलिए अब टिकट काटिए, अगर इनको फिर से मौका दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान उठाना पड़ जाए। नेहा जी, दीपेश जी, क्या इसी प्रकार की चर्चाएं हम 2023 विधानसभा चुनाव से पूर्व में नहीं कर रहे थे, सीटों के विश्लेषण और प्रत्याशियों के नाम के साथ में? और क्या हुआ फिर उन चर्चाओं का हमने देखा? ये भारतीय जनता पार्टी का अति उत्साह नहीं है, मेरी बातों को आप उस दायरे में मत लीजिएगा, पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत जो भी प्रत्याशी होगा उसका चयन करेगी, और जो जो व्यक्ति जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर सकेगा आने वाले 5 वर्षों में, मोदी जी के विजन को आगे लेके जा सकेगा, भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे लेके जा सकेगा, जो जनता के बीच में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उसको लेके जा सकेगा, वो प्रत्याशी होगा। सबके अपने अपने आकलन हो सकते हैं, सबका अपना अपना तजुर्बा हो सकता है, और निश्चित तौर पर पार्टी बेहतर समझती है, बेहतर जानती है कि कौन प्रत्याशी उपयुक्त है किस सीट के लिए, और वो निर्णय जल्दी सामने आएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो गई है, यहाँ से नाम जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी ले चुके हैं, वो नाम जो रायशुमारी के कार्यकर्ताओं से निकल कर आए हैं वो भी दिल्ली पहुंच गया, तो निश्चित तौर पर आप हम जल्दी देखेंगे कि प्रत्याशी कौन होगा। और इस बार 28 नहीं, मिशन 29 पर है भारतीय जनता पार्टी, और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा जीत कर। ठीक है, नहीं नेहा जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आप भी पार्टी की अहम बैठकों में शामिल रहती हैं, तो क्या एक मन में है सबके कि भाई पीढ़ी परिवर्तन के दौर में है भाजपा, बल्कि इसको साबित भी कर चुकी है कि कई जगहों पर बिल्कुल नए फ्रेश चेहरे मंत्रिमंडल में हमने पहली बार देखा कि पहली बार के विधायकों को मंत्री बना दिया गया सीधे, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या इसीलिए अब ये परिपाटी बन गई भाजपा की, अब जो पहले होता था 5 बार के सांसद, 7 बार के, 8 बार के, अब वो चलन नहीं दिखेगा हमें भाजपा में? आप एक बार बन गए, ठीक है, अब दूसरे को मौका दीजिए, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसा तो नहीं कि अब हाँ बहुत से बहुत 2 बार बन गए सांसद, तो ये कोई एक भाजपा अपनी नियमावली में तो नहीं इस चीज को शामिल कर रही कि भाई 1-2 बार हो गया, बहुत हो गया, दूसरे को मौका दीजिए? नेहा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए भी स्थान है और साथ में अनुभव के लिए भी स्थान है, और दोनों का कॉम्बिनेशन ही भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा दल बनाता है, और इसीलिए आप देखिए कि दोनों ही लोग आपको हर स्थान पर दिखते हैं, संगठन में भी और सरकार के अंदर भी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीढ़ी परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, और भारतीय जनता पार्टी ने सदा ही उसको सराहा भी है और उसको प्राथमिकता भी दी है। इसीलिए चाहे संगठन हो चाहे चुनावी प्रक्रिया हो, उसमें नए लोग आते हैं, नए लोगों को मौका मिलता है, और उसके साथ साथ में जो अनुभवी लोग हैं उनका भी साथ रहता है पार्टी के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशन के साथ सदैव भाजपा चली है, इस बार भी वो कॉम्बिनेशन आप सबको देखने को मिलेगा, यानी बहुत सारे नए चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं। नेहा जी, नहीं, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं हूँ दीपेश जी, आप जानते हैं, और ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, ठीक है, यहाँ पर निर्णय जो है फोन पर और डिबेट्स में नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये निर्णय स्पष्ट आपको समझ में आएंगे कुछ दिनों। राजेश जी, क्या गुना ग्वालियर जैसी सीटों पर कुछ दिक्कतें आएंगी? पैनल में तो बना, वैसे गुना में डॉक्टर केपी यादव का नाम भी है और सिंधिया जी का नाम भी, और दोनों कितने मधुर संबंध है वो सबको पता है, हाँ, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या हो सकता है? मतलब गुना सीट बड़ी नजरें हैं सबकी कि भाई यहाँ से किसको टिकट मिलेगा, अगर यहाँ से नहीं लड़ेंगे सिंधिया जी तो क्या ग्वालियर से लड़ेंगे, और केपी यादव के साथ जो तनातनी हुई है या जो उनकी बयानबाजियां रही, तो क्या हो सकता है इन दो सीटों का, अगर आप जिक्र करना चाहें? देखिए,
ये बात सही है कि केपी यादव वाला और जो सिंधिया जी का, और सिंधिया जी बहुत अहम पर्सनालिटी है बीजेपी के लिए, इसलिए नहीं कि चुनाव जीतना है, पर बीजेपी कभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहेगी कि कल को धोखेबाज का उसपे तब वो लग जाए, सील लग जाए कि जिनको बुलाते हैं अपनी पार्टी में आते हैं और कल को जो है उनके साथ धोखेबाजी कर देते हैं। तो अब उस चीज के लिए वो एक बहुत बड़ा जो इनके सामने एक चैलेंज रहेगा। और आप ये मान के चलिए कि केपी यादव ने जिसको हराया था और जिन परिस्थितियों में हराया था वो कोई छोटी बात नहीं है। आज ठीक है, आज परिस्थितियां बदल गई हैं, पाले बदल गए हैं, पर जब उन्होंने हराया था तो जिस लेवल पे, जब पूरा किसी को नहीं लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन जीत गए वो। सब लोग कह रहे थे कि वो तो मामूली सा आदमी है, लेकिन मामूली सा आदमी, मामूली से आदमी ने चुनाव हरा दिया था। तो अब ऐसी स्थिति में अगर केपी यादव का टिकट कटता है तो उसका भी मैसेज गलत जाएगा, क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं का को नजरअंदाज करके नए को महत्व ज्यादा दिया जा रहा है, इसमें लगेगा। और अगर सिंधिया जी को महत्व नहीं दिया गया तो उसका भी अलग। तो पार्टी के लिए ये ना एक वो है, दोधारी तलवार, जो दोधारी तलवार से ज्यादा वो जो पहले एक रस्सी पे चलते थे ना, वो वाला काम है कि जरा सी गलती हुई, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार बैठे हैं जब, तो कुछ ना कुछ इसका ऐसा हल निकालेंगे ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये तो एक बात हो गई, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी लोग जैसे अब नकुल नाथ के खिलाफ किसको उतारा जाएगा, क्योंकि देखिए 29 की 29 सीट शिवराज जी भी बोल रहे हैं, मोहन यादव जी भी बोल रहे हैं और पूरी पूरी बीजेपी बोल रही है, नेहा जी भी बोल रही है, पर 29 की 29 सीट कोई मजाक नहीं है। ये कोई मतलब नकुलनाथ कमलनाथ को हराना उस इलाके में इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस इलाके में उन लोगों ने जो बोया है पिछले 10-15-20 सालों में, 50 सालों में, 40 सालों में, वो बहुत अच्छे से बोया है। आज भी जिले की सारी सीट कांग्रेस के पास है। यस, यही कहना था। तो इसलिए जिसको किसको उतारना होगा, कोई बहुत बड़ा चेहरा उतारना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि शिवराज जी को उनके सामने उतार दिया जाए। ये हो सकता है, देखिए मतलब आज अपन अभी से नहीं कह सकते, अभी तो अटकले हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा उनके सामने उतारा जाएगा और तब जाके 29 की 29 सीटें इनकी हो पाएंगी। क्योंकि किसी हल्के फुल्के को उतार दिया तो वो कमलनाथ के लिए बहुत आसानी से हजम कर जाएंगे कमलनाथ, क्योंकि वो अपने बेटे को की राजनीति बचाने के लिए तन मन धन सब कुछ लगा देंगे, सारा जितने खजाने हैं वो सब खाली कर सकते हैं, लेकिन बेटे की राजनीति खराब नहीं होने देंगे। तो इसलिए भाजपा के सामने चैलेंज, बड़े बड़े चैलेंज है, लेकिन उम्मीद है कि जो इनका मंथनों का दौर चल रहा है, जो इनकी जो राय शुमारी है, जो इनकी ग्राउंड वर्क है, और फिर जो एक जो बैकबोन पीछे से है उसका जो फीडबैक रहेगा, हो सकता है कि कहीं कुछ अच्छा रिजल्ट आए इसका। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा, अभी जब पहली लिस्ट में उतना नहीं होगा, दूसरी और तीसरी लिस्ट बहुत ही दिलचस्प होगी। बिल्कुल। हाँ खिलावन जी, और कुछ किस सीटों का आप जिक्र करना चाहिए? जैसे होशंगाबाद में राव उदय प्रताप मंत्री हो गए हैं, तो वहां तो उनका नाम भी नहीं है पैनल में और बिल्कुल नए नए चेहरे। ऐसे हम सीधी में देख रहे हैं कि रीति पाठक का नाम अब नहीं है, वहां से भी नए चेहरे। या रीवा में हम देख रहे हैं, वहां भी नए चेहरों को ही पैनल में शामिल किया गया, पुराने सांसदों को नहीं। तो ऐसे भी कुछ और दिलचस्प बातें अगर आप सीटों के बारे में कुछ करना चाहें, बताना चाहें। देखिए, जो क्राइटेरिया निर्धारित तो नहीं की गई है स्पष्ट तौर पे, घोषित तौर पे, लेकिन जो क्राइटेरिया पर बात चल रही है वो क्राइटेरिया यही है कि 3 या 3 से अधिक बार जीते हुए सांसदों को इस बार टिकट नहीं देना है। ठीक है। जिनका पुअर परफॉर्मेंस है, जिन सांसदों का लगभग लगभग 8 या 9 सांसद ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस को बहुत पुअर कहा जा रहा है, जनता के बीच वो अपनी पहचान, अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं, ऐसे लोगों को बदला जाना लगभग सुनिश्चित है। और एक और है, जीत का क्राइटेरिया रखने वाले, जीत का मादा रखने वाले या जीत की संभावना वाले युवा तुर्क को, क्योंकि पार्टी चाहती भाजपा में जो हम 4 साल से ट्रेंड देख रहे हैं, 3 साल से ट्रेंड देख रहे हैं कि नए चेहरों को, पुराने चेहरों के बजाय नई पीढ़ी को राजनीति में सक्रिय करने का जो दौर चल रहा है, उससे स्पष्ट लगता है कि मुझे नए और युवा चेहरे ज्यादा उतारे जाएंगे। जैसे पुअर परफॉर्मेंस वाले वो जो सीट है, उनमें जो प्रमुख है, भोपाल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं माना जाता, साध्वी प्रज्ञा भारती को लगभग लगभग उसके स्थान पर किसी दूसरे को टिकट देने की बात तय है। और पैनल में 2 लोगों का नाम भी है, बीडी शर्मा और अपने पूर्व निगम अध्यक्ष जी का। और इसी तरह से विदिशा की बात सोच ले हम,
धार के छतर सिंह दरबार की सोच ले, हम राजगढ़ की बात सोच ले, हम बालाघाट की बात सोच ले, दमोह सागर भी जो 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 वर्तमान सांसद है उनका उनके परफॉर्मेंस को लेकर के पार्टी के नेता बहुत खुश नहीं है, इसलिए इनके स्थान पर नए चेहरों को अवसर दिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो पार्टी के लाइन जो जिस तरह से पार्टी चल रही है लगातार विचार विमर्श स्क्रीनिंग कमेटी की हो चाहे संसदीय बोर्ड की हो बैठ के चल रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा और चुनाव आचार संहिता के पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे, ऐसा अंदाजा मुझे लग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से बहुत चौंकाने वाले नाम भी सामने आएंगे, बहुत युवा चेहरे भी सामने आएंगे, नए लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जाए। विधानसभा चुनाव हारे उनको भी फिर से एक मौका दिया जाए, नरोत्तम मिश्रा हो या इमरती देवी हो, ये कहाँ जाएंगे, क्या टिकट पाएंगे तो कहाँ से पाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल नया जी, 10 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहें, लास्ट समाप्त आप कुछ करना चाहें तो। दीपेश जी, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य मिशन 29 है और ये 29 की 29 सीटें, मैं पुनः आपसे कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित होकर प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट स्वरूप देने वाला है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय नहीं है, अब प्रत्याशियों के नाम भी आ जाएंगे और जनता बहुत अच्छे से जानती है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं, कड़े निर्णय लिए हैं, जनता के हित में निर्णय लिए हैं, जनता को पसंद आने वाले नहीं पर जनता के हित में निर्णय लिए हैं और उनका जो असर है वो हम सबके जीवन में दिखाई भी दे रहा है, तो निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा और ये नारा जो है 370 का हो या 400 पार का हो, ये जनता के समक्ष से ही निकल कर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी, शुक्रिया खिलावन जी, शुक्रिया राजेश जी। तो लिस्ट जब आएगी फिर हम चर्चा करेंगे साथ में, और आज किसका टिकट कटा, किसका टिकट बचा, बचा तो क्यों बचा, कटा तो क्यों कटा, इस पर हम फिर गहन चर्चा मंथन करेंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।